नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। जनपद हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ के गांव सरदारपुर में बढ़ रही सांप काटने की घटनाओं से ग्रामीण भय व दहशत की साए में है। ग्रामीणों ने बच्चों को अन्यत्र रिश्तेदारों में भेज दिया है। सांप के काटने से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो चुकी है, जबकि एक महिला सहित 2 ग्रामीणों का मेरठ के अस्पताल में इलाज चल रहा है। मंगलवार की रात ममता नामक महिला को सांप ने काटा है। वन विभाग की टीम गांव सदरपुर में डेरा डाले हुए है और मंगलवार को टीम ने एक सांप को भी पकड़ा था, परंतु मंगलवार की रात को ममता नामक महिला को सांप के काटने से ये स्पष्ट हुआ कि गांव में सांप अभी सक्रिय है और ग्रामीण दहशत में है। थाना बहादुरगढ़ के गांव सरदारपुर में अंबेडकर नगर एक बस्ती है। इस बस्ती में मजदूर तथा कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं। जब मजदूर रिंकू जाटा, पत्नी पूनम, 12 वर्षीय बेटी साक्षी और 9 वर्षीय बेटा कनिष्क फर्श पर सो रहे थे और कहीं से कोई जहरीला सांप फर्श पर आ धमका, उसने पूनम, साक्षी तथा कनिष्क को डस लिया और तीनों की इलाज के दौरान मौत हो गई। पांच लोगों को काट खाया, 3 मर गए और 2 अस्पताल में भर्ती हैं, 2 घायल है। और कोई भी खरंजन पर पब्लिक रात और पैर लगाते, रात और जगती है, कोई सोने को तैयार नहीं है। बालक रोटी खा रहे, बालकन का भी एक लौंडिया रात ही खत्म हो जाती। सांप है, कितना बड़ा है वो? सांप किसी ने देखा नहीं है। सांप है क्या, वो काटते हैं, दिखता ही नहीं है। वो तो एक लाठी के बराबर सांप है, वो बता रहे थे इतना सा सांप है, वो तो पकड़ो नहीं, उन्होंने एक धामन पकड़ ली। आप लोग प्रशासन से क्या सहायता? उसके बाद में काट खाया दोन का, वो धामन जले गए ना पकड़ कर, दोन का काट खाया। आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इस गांव में शांति होनी चाहिए या हमारी दहशत निकलनी चाहिए। रवि कुमार, सर 20 तारीख की रात से 3 लोगों को काटा था, 3 की अगले दिन मृत्यु हो गई, फिर अगले दिन फिर काटा एक को, अस्पताल उपचार के लिए चलेगा, फिर उसकी बीवी के लिए काट कर अगले दिन, 3 से लगातार हो रही है घटना। वन विभाग की टीम आती है, खाना पूर्ति करके चली जाती है सर। एक सांप पकड़ा था, उसको धामन थी, काला नाग बता के चले गए। SDM साहब को दिखा देंगे, हमारी तक होगी पूर्ति। प्रशासन तक खूब कर रहा, लेकिन वन विभाग वाले कुछ नहीं कर रहे। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी सहायता करें। रात यहाँ से कई लोग मकान छोड़कर अपना घर छोड़कर चले गए और रात को दहशत इतनी है कि खरंजों पर सोते हैं और बहुत पैर लगाते हैं कुछ लोग, भयंकर है। सांप 1.5 फुट का है, काला है, ऊपर चित्तीदार टिकली है, 1.5 फुट का सांप है, सफेद टिकली है सर। हाँ सर बिल्कुल, जब उसको दामन को ये काली काला नाग बता के चले गए और फिर भी रात को डस लिया, फिर उस रात को डस लिया, फिर लेडीज़।